तो चलो प्यार बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। देखो इसमें क्या कहा जा रहा है कि कहते हैं कि देखो एक बैलून है, उसके अंदर एक आदमी आ गया है। ए मैन इन ए बैलून इज राइज वर्टिकली, वो ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो चलो ये ग्राउंड है और इस ग्राउंड पर एक कोई बैलून है। ठीक है, ये अपना बैलून है और इस बैलून में कोई आदमी आ गया है। ठीक है, दिस इज़ द बैलून एंड दिस बैलून इज गोइंग वर्टिकली अपवार्ड। बैलून हो रॉकेट हो, सबका इनिशियल वेलोसिटी जीरो लूँगा और ये जब बैलून कुछ हाइट पे जाएगा यहाँ पर, ठीक है, देयर आर सम हाइट राइज, कुछ हाइट पे अगर बैलून जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये कुछ हाइट पे जाएगा बैलून, तो कुछ हाइट पे जाने के बाद यहाँ से क्या करता है, ये बैलून राइज वर्टिकली, बैलून एक्सलरेट हो रहा ऊपर की डायरेक्शन में 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। ठीक है ना, ये बैलून की एक्सलेशन है, समझना। आफ्टर 2 सेकेंड, मतलब इस पॉइंट पर बैलून को ग्राउंड से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा भाई, 2 सेकेंड। मतलब यहाँ 2 सेकेंड बीत चुका होगा बैलून को, यहाँ टाइम कितना था ग्राउंड पे, जीरो इनिशियल वेलोसिटी। इस पॉइंट पर अब ऑब्जर्वर जो आदमी इसके अंदर था, बैलून के अंदर एक बैठा हुआ जादूगर था, वो यहाँ से एक बॉल गिराता ड्रॉप करता है, ठीक है, रिलीज करता है। तो ये ऑब्वियसली देखो, जब ये हरा कलर का बॉल गिराएगा तो बॉल ग्राउंड पे पहले नहीं आएगा, बैलून के साथ ऊपर जाएगा, बैलून के साथ नहीं, बैलून की वेलोसिटी के साथ ऊपर जाएगा और फिर हाईएस्ट पॉइंट पे जाके वो फिर नीचे आएगा और फिर ऐसे गिरेगा वह। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब किसी भी बॉडी को किसी फ्रेम से अलग करते हैं, याद रखना, किसी बॉडी को किसी फ्रेम से अलग करते हैं तो उसका फोर्स उसको नहीं मिलता, उसकी वेलोसिटी मिल जाती है। तो यहाँ पर जो अगर वेलोसिटी या बैलून बी भी है तो वेलोसिटी या बॉल भी वही होगा यार। ठीक है, यहाँ पर जो वेलोसिटी बैलून की भी है, फाइनल वेलोसिटी वही बैलून की वही बॉल का हो जाएगा, लेकिन जो बैलून के पास फोर्स होगा वो फोर्स बॉल के पास नहीं आएगा यार। ठीक है, ये लॉ होता है, ये रूल होता है। तो हाईएस्ट पॉइंट पर यहाँ वेलोसिटी जीरो हो गई, तो ये कहते हैं कि हाईएस्ट ग्रेटेस्ट हाइट एबव द ग्राउंड रीच बाई द बॉल। तो ग्रेटेस्ट हाइट को मैं 2 पार्ट में ब्रेक कर देता हूँ, बैलून से सेपरेट होने के बाद H1 चला है और ये बैलून की हाइट जब गिराया गया था तो H2 है। तो जो अगर तुम हाईएस्ट पॉइंट देखोगे तो जो हाइट पूछा जा रहा है वो H1 + H2 का सम पूछा जा रहा है, ये हमारा टारगेट है बच्चों। तो अगर मेरा ये वाला टारगेट है तो सबसे पहले मैं बैलून की वी निकालता हूँ, क्योंकि वही बॉल की इनिशियल वेलोसिटी है, बैलून की फाइनल वेलोसिटी, बॉल की इनिशियल वेलोसिटी यार। तो बैलून की फाइनल वेलोसिटी फॉर बैलून, तो अगर मैं बैलून की फाइनल वेलोसिटी निकालता हूँ v = u + at, तो जो कि बॉल की इनिशियल होगी, तो बैलून के लिए इनिशियल जीरो और 4.9 मीटर से एक्सलेट हो रहा है, टाइम बीत रहा 2 सेकेंड, समझ लो ना। तो एक्सलेशन वर्टिकली डाउनवर्ड है और वेलोसिटी वर्टिकली ऊपर है। ठीक है, तो अगर तुम वेलोसिटी देखोगे ऊपर है तो एक्सलेशन भी ऊपर है, ठीक है ना। तो यह आ जाएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड फाइनल वेलोसिटी होगी और एक्सलेशन ऊपर है भाई, तो पॉजिटिव लिया हूँ। और यही, हाँ, फाइनल वेलोसिटी या बैलून जो है, फाइनल वेलोसिटी या बैलून का जो होगा, बैलून का वो होगा इनिशियल वेलोसिटी या बॉल, इनिशियल वेलोसिटी या बॉल, और इसी बॉल से कुछ हाइट तक बॉल जाएगा। ठीक है, तो चलो अगर इसी हाइट से कुछ फॉर बॉल के लिए कैलकुलेशन करोगे तो बॉल के लिए इनिशियल वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, तो इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी 9.8 मीटर पर सेकेंड और बॉल के लिए फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे आके जीरो हो गई। तो ये हाइट H1 निकाला जा सकता है, क्योंकि बॉल जो है अंडर ग्रेविटी फ्री फॉल कर रहा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, डाउनवर्ड लग रहा है एक्सलेशन। ठीक है, तो अगर मैं H1 निकालता हूँ तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन मैं लगाने जा रहा हूँ किसके लिए, बॉल के लिए। तो बॉल के लिए लगाऊँ तो v² - c² = 2as अगर लगाता हूँ तो फाइनल वेलोसिटी जीरो, इनिशियल 9.8 का स्क्वायर जो कि ऊपर था, -2 × 9.8 और हाइट H1। ठीक है, तो यहाँ से हाइट H1 की जो वैल्यू आ जाएगी बच्चों, वो आ जाएगा 9.8 × 9.8 / 2 × 9.8। तो 9.8 और ये हाइट H1, तो हाइट H1 जो आ जाएगा वो आ जाएगा 4.9 मीटर, मतलब बॉल 4.9 मीटर गया होगा।
समझ रहे हो। तो अगर मुझे एच टू निकालना, एच टू इज द बैलून का हाइट है, तो बैलून का हाइट मैं निकालूं तो एस इज इक्वल टू यू टी लगा देता हूं मैं बैलून के लिए। तो अगर मैं बैलून के लिए या मैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बैलून के लिए लगा दूं, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू टू ए एस बैलून के लिए लगा दूं, तो फाइनल वेलोसिटी बैलून की कितनी है, 9.8 का स्क्वायर और माइनस बैलून की इनिशियल, और यहाँ से टू और बैलून एक्सेलरेट हो रहा 4.9 से ऊपर और डिस्प्लेसमेंट है एच टू। तो इसका मतलब ये हुआ कि बैलून की जो डेटा से ये 9.8 मल्टीप्लाइड बाई 9.8 और डिवाइडेड बाई टू और मल्टीप्लाइड बाई 4.9, तो इसका मतलब ये हुआ 4.9.8 9.8 कट गया, दैट इज एच टू। तो एच टू की फाइनली वैल्यू आ जाएगी 9.8 मीटर। तो अब मुझे ग्रेटेस्ट हाइट चाहिए था एच, तो जो बैलून की हाइट एच टू है और बॉल की हाइट एच वन है, तो वो मैं जोड़ दूँ तो 4.9 प्लस 9.8 अगर मैं जोड़ देता हूँ तो 9 और ये देखो 16 और 17 7 और यहाँ 13 1 14, तो 14 पॉइंट इतना मीटर ग्रेटेस्ट हाइट ऑफ द बॉल अचीव हुआ होगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन हमें बहुत अच्छा सीख ये देता है कि कोई बॉडी किसी फ्रेम से अलग होती है बच्चों, तो उसकी उसको वेलोसिटी मिलती है, एक्सलेशन नहीं मिलता है।